हेलो दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं यात्रा पर जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें प्यास लगती है। तब वो वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आनंद शिष्य को कहते हैं कि जाके थोड़ा सा जल लेकर। आनंद पीछे थोड़ी सी झील में जाता है और देखता है कि पानी में बैलगाड़ी को धोया जा रहा है। उस धोने के कारण पानी अशुद्ध हो गया है और वो महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है ये पानी पीने योग्य नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध उसे भेजते हैं। ऐसा लगातार 3 बार करने पर फिर चौथी बार जब उसे महात्मा बुद्ध भेजते हैं तो देखता है कि पानी तो आईने की तरह साफ हो गया है। यह देखकर वह विचार करता है कि यह कैसे हो गया है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये पानी जो है ये हमारा मन है और बैलगाड़ी हमारे विचार हैं। जब भी हम किसी भी विचार को पकड़ने रखते हैं तो हमारा मन भी इसी जल की तरह गंदा हो जाता है। इसीलिए अपने विचारों को पानी की तरह बह जाने दीजिए ताकि आपका मन भी शुद्ध हो जाए और आपका तन भी शुद्ध हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।